أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बाज़ हज़रात ने सवाल किया है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि शेख तालिबुर रहमान साहिब के बारे में आपने सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? जनाब तालिबुर रहमान ज़ैदी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, इसलिए कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं। मैंने कभी भी उनके बारे में वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की जो उन्होंने हमारे बड़े बड़े उलमा के बारे में इस्तेमाल की है। कायनात की सबसे बड़ी गाली यह है कि किसी मुसलमान को काफिर या मुशरिक कह दिया जाए। तालिब ज़ैदी साहब ने उलमाए देवबंद के पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहिमहुल्ला और मशहूर आलिम हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्ला पर शिर्क का फतवा लगाया है। उनका क्लिप मुलाहजा हो कि हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की पक्का मुशरिक था, इब्ने अरबी की तरह वो वाहदुल वजूद का कायल था, और अशरफ अली थानवी भी उसी के नक्शे कदम पर चलता हुआ उसी अकीदे को फैला रहा है। लिहाजा ये गंदे अकीदे रखने के बावजूद भी तुम ये समझते हो कि हम पक्के मवाइन हैं, तो ऐसी तौहीद को हम सलाम कहते हैं। जी सामी, आपने तालिब ज़ैदी साहब की तकफीरी जबान सुन ली। अब उन्होंने आज से 100 साल पहले के उलमा को मुशरिक करार दे दिया। आप नोट करें कि मैंने तालिब ज़ैदी साहब पर कभी कुफर या शिर्क का फतवा नहीं लगाया। अलबत्ता मुझे ये कहने की इजाजत दे कि अगर तालिब ज़ैदी साहब हमारे अकाबिर को मुशरिक कह सकते हैं तो फिर वो भी इतने मुकद्दस नहीं है कि हम उनको आईने में उनका असली चेहरा ना दिखाए कि उनका इल्मी मेयार क्या है। हम आ भरते हैं तो कर देते हो बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज तू करने चला है अहमकाना जुस्तजू, आज तू करने चला है अहमकाना जुस्तजू, दिल को तेरे कौन से फितने की है फिर आरजू, दिल को तेरे कौन से फितने की है फिर आरजू, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां, मुंतजिर है तेरे इस्तिक़बाल को रुसवाइयां, मुंतजिर है तेरे इस्तिक़बाल को रुसवाइयां।